खबर रीवा जिले से है, जहां दीपावली के दूसरे दिन होने वाले गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम रीवा शहर के लक्ष्मण बाग संस्थान में आयोजित की गई, जहां पर वेद मंत्रों के साथ गोवर्धन की पूजा की गई। इस दौरान विधायक राजेंद्र शुक्ला ने गाय की पूजा कर स्वादिष्ट भोजन कराया। इस दौरान विधायक ने कहा कि मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों की भारी बारिश से जान बचाई थी, तब से गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते विधायक राजेंद्र शुक्ला ने इस दौरान क्या कहा है। पृथ्वी शांति रामः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीह से ततो भगवती स्मरण हरे दक्षिणस्ते प्रक्षिप्य ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः ओम बाणेरंगाभ्याम नमः सुदेवेन्द्राभ्याम नमः इधर देख रही है, खा लो मंजू, इधर देख रही है, सामने रख दीजिए ना, जितना थोड़ा हाथ पीछे करिए। लक्ष्मण बाग संस्थान में हर वर्ष की तरह इस बार भी गोवर्धन की पूजा हुई है, जो हमारी परंपरा है और जो हमारी संस्कृति है और आज की जो मान्यता है वेदों में कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को भारी बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उससे प्रकृति का संरक्षण का भी संदेश है और जन कल्याण के लिए भगवान ने किस तरह से भूमिका निभाई, तो वो नियमित रूप से गोवर्धन की पूजा आज हम लोगों ने लक्ष्मण।